नमस्कार, मेरा नाम मोनिका है एंड फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स हम आज आलू और मटर की सब्ज़ी बनाएंगे। ये बहुत ही अच्छी बन करके तैयार होती है और देखते हैं फ्रेंड्स आलू और मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। उसके लिए मैंने 5-6 आलू ले लिए हैं जिनको मैंने छील के धुल लिया है। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी ताजे मटर लिए हैं जिनको भी मैंने वॉश कर लिया है। 2 बारीक कटे हुए मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया है। 3-4 हरी मिर्च लिए हैं जिनको मैंने काट लिया है। अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है और मीडियम साइज़ के 2 टमाटर जिनको मैंने पीस लिया है का एक पेस्ट तैयार कर लिया है। उसके बाद में हम दही लेंगे। 1/2 कटोरी दही लिया है मैंने, लगभग 100 ग्राम है। इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच और डाल देंगे क्योंकि बहुत ही कम तीखी है ये लाल मिर्च जो है। इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे या स्वाद अनुसार, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच 1/2 चम्मच मिक्स मसाला डाल देंगे, ये घर का कुटा हुआ मिक्स मसाला है, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और सभी मसालों को मिक्स कर देंगे ताकि मसाले फूल जाएं। दही में सारे मसालों को मिक्स कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब हम आलू को काट लेंगे, मोटे मोटे स्लाइसेस काटने हैं इसके, बहुत छोटा नहीं करना है वरना मिल जाते हैं फिर ये आलू के मोटे पीस ही अच्छे लगते हैं सब्जी में। तो मैं कुछ इस तरह काट लूँगी इनको, आप भी मोटा मोटा काटिए कुछ इस तरह। देखिए फ्रेंड्स मैंने सारे आलू काट लिए हैं। अब इन्हें एक बाउल में निकाल लेंगे और एक बार और पानी से वॉश करना है इन्हें। अभी कुछ इस तरह मोटे मोटे पीसेस में काटा है मैंने आलू को, ये देखिए। अब हम गैस ऑन कर देंगे और कुकर रख देंगे एक, उसमें ऑयल डाल देंगे लगभग 4 बड़े चम्मच ऑयल। ये सरसों का ऑयल है। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, 1/4 चम्मच हींग पाउडर डाल देंगे, 3-4 लौंग डाल देंगे, 2-3 टुकड़े दालचीनी के डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया डाल देंगे और अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर लेना है। और इसे मिला देंगे। लगभग 2 से 3 मिनट प्याज को भुनना है। थोड़ा कलर चेंज होने लग गया है प्याज का, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी मिला देंगे। लगभग 1-2 मिनट पकाना है इसे और अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, हरी मिर्च को भी मिला लेंगे कुछ इस तरह। अब हम इसमें टमाटर पेस्ट डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे।
लगभग 2-3 मिनट ऐसे भून लेना है। अब हम इसमें मसाला ऐड कर देंगे, जो हमने दही में सारे मसाले मिक्स किए थे ना वही वाले, और इसे मिला देंगे। इसे किसी प्लेट या ढक्कन से ढक देंगे और लगभग 3 से 4 मिनट मीडियम आंच पे पकाना है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत ही अच्छा कलर आया है इसमें और मसाले खदकने लग गए हैं। 1-2 मिनट और पकने देंगे और ऐसे मिला देंगे। चलाते रहना है बीच बीच में गैस को, वरना फ्लेम पे जल जाता है तले में। मटर डाल देंगे और मटर को भी मिक्स कर देंगे। 1-2 मिनट और चलाएंगे इसे। देखिए फ्रेंड्स, इसने ऑयल रिलीज़ कर दिया है मसालों ने। अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे, वो तो मैंने धुल लिया था अभी। इनको भी मिक्स कर देंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है सब्जी का। अब हम इसमें आधी कटोरी पानी डाल देंगे। ये वही मसाले वाली कटोरी है, दही वाली। इसमें ताकि सारे मसाले, इसमें जो बचे हुए मसाले हैं वो भी इसमें मिल जाएंगे सब्जी में, और इसे मिला देंगे। गैस का फ्लेम थोड़ा हाई कर लेंगे ताकि सब्जी खदकने लगे। अब हम इसमें थोड़ी कश्मीरी मेथी डाल देंगे, कसूरी मेथी। इसे क्रश करके डालना है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है सब्जी में। देखिए फ्रेंड्स, सब्जी बॉयल होने लगी है। अब हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे, कुकर को ढक्कन लगा देंगे और इसमें 4 सीटी आने तक इसे पकने देंगे। गैस को बंद कर दिया। लगभग 10 मिनट बाद इसे खोल लेंगे, जब इसकी सीटी निकल जाए, और इसमें हरा धनिया डाल देंगे अब हम। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी सब्जी बनकर के तैयार हुई है। एक आलू को भी तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल थोड़ी सी दाब देने से ही सारा आलू टूट रहा है। सब्जी को एक बाउल में निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छी सब्जी बन करके तैयार हुई है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें। फ्रेंड्स, आप भी बनाइए, खाइए और आप अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं।